हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम इस लेक्चर में अबेटमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके कोई भी लीगल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, राइट। सो हमने 109 सेक्शन से लेके 120 सेक्शन ऑफ आईपीसी कवर कर लिया है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हीं सेक्शंस पे बेस्ड होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इंस्टिगेट हिज 6 ईयर ओल्ड सन। अब देखो इस केस में ए ने अपने बी जो कि 6 ईयर का है, ही इज अ चाइल्ड बिलो 7 कंप्लीट डिफेंस, राइट। उसके बाद टू टेक अवे फ्रॉम सी, सी से एक पर्स कंटेनिंग रुपीज 5500 लेने को बोल दिया। अब इसका पर्स जो है चोरी करने के लिए बोल दिया। इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी कमिट्स थेफ्ट एंड ए अबेट्स थेफ्ट। यहां देखो कहते बी ने थेफ्ट कमिट कर दिया और ए ने थेफ्ट कर दिया, ये हम यहाँ पे कमीशन क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज वो 6 ईयर का है। अगर उसकी एज ज्यादा होती, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल भी बताया होता, तब हम कह देते कि हाँ थेफ्ट हुआ है, बट बिलो 7 कंप्लीट डिफेंस, दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर। ए कमिट्स नो ऑफेंस बट बी कमिट्स थेफ्ट, नो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। बोथ ए एंड बी कमिट्स नो ऑफेंस, नो B does not commit any offense, but A commits abatement of theft. Yes, B because it is of 6 years, so he has committed no offense. And A ने कौन सा करा है, abatement का करा है, क्योंकि जहां पे आपका word instigate आ गया ना, वहीं पे समझ आना कि आपका question abatement को related है। Instigate आ गया, aid आ गया, conspiracy का अगर आता है तो उसका पूरा question पढ़ो कि conspiracy itself is a offense, वो हम section 120 B में पढ़ेंगे, right? Now next, next question. Which one of the following statements correctly defines abetment? The principal accused must have the same intention as that of abettor. This is wrong. आपको पता है ना principal accused कौन होता है? एक abettor होता है जो अपना काम abet करवाता है, ठीक है, किसी को बोल के, जो मेन ऑफेंडर उसको कर देता है उसको हम प्रिंसिपल ऑफेंडर बोल देते हैं या अक्यूज्ड बोल देते हैं। अब इसका जो मेंस रिया है जरूरी नहीं है उसका भी सेम हो, सो इंटेंशन कैन नेवर बी सेम। अगर सेम इंटेंशन आ जाती है आपकी, सिमिलर कॉमन इंटेंशन जब आ गई है, तब आपका सेक्शन 34 लग जाता है और दोनों विल बी लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट, राइट। फिर अबेटमेंट का ऑफेंस नहीं लगेगा उसमें, अबेटमेंट की अलग पनिशमेंट होती है, आपको पता है, यहाँ पे ऑफेंस की अलग से मिलेगी उसको, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द बेटर इज डिपेंडेंट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी डिपेंड करे लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज्ड की। ये सिर्फ तभी होती है आपके अगर कॉन्स्पिरेसी का है तब लाइबल होते हैं दोनों, और जब आपका इंस्टिगेटिंग का होता है तब दोनों लायबल हो जाते हैं, बिकॉज इन दोनों सिचुएशंस में क्या है, प्रायर स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे ही ऑफेंस जो है अबेटमेंट का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एडिंग की बात आती है उस केस में क्या होता है, अगर आपका प्रिंसिपल ऑफेंडर क्विट कर दिया कोर्ट ने, तब कहते हैं कि बेटर भी क्विट है, ओके। नाउ द बेटर हैज एडेड द प्रिंसिपल अक्यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, दिस इज राइट, हमने करेक्ट देखनी है। अगर अबेटर ने एड करा है, हेल्प करा है कोई कमीशन करने के लिए, तो यस, द बेटर हैज विलफुली मिसरिप्रेजेंटेड अ फैक्ट टू समवन एंड कॉज्ड एन ऑफेंस। सी दिस इज एन इनकम्प्लीट सिचुएशन, बिकॉज अबेटर ने विलफुली तो मिसरिप्रेजेंट कर दिया टू समवन, पर किसने करा ऑफेंस, सो दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज द राइट आंसर सी, द बेटर हैज एडेड द प्रिंसिपल अक्यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द offense. Now next question, this question is based on your principles. A person is said to abet the doing of a thing when he instigates any other person to do that thing. Yes, this is right situation principle hai ye aapka. Mere acquiescence however does not amount to instigation. Facts ka kehte hain, A says to B, I am going to kill C. A ne B ko kaha कि मैं सी को मार दूंगा, एंड बी रिप्लाइज डू एज यू विश एंड टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। देखो इसने, बी ने इसका कुछ, इसको इंस्टिगेट नहीं करा, उसने बोला जो करना है करो एंड बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद वेयर आफ्टर ए किल्स सी,
अभी अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी अबेटमेंट आपको नहीं दिख रही है। अबेटमेंट कहते हैं यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल बताया गया है, इंस्टिगेशन का बताया गया है। इंस्टिगेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है। बी इज ज्वाइंटली लाइबल विद ए, नो दिस इज रॉन्ग। बी हैज, यस बी हैज नॉट अबेटेड ए टू किल सी, बी हैज अबेटेड नो, बी अबेटेड नो, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, A entered into agreement with B to obtain undue favor from a public servant C on the promise that A will pay rupees 1 lakh to B, who will deliver the same to C. A and B did so, but C refused to do any favor. देखो पहले क्वेश्चन को समझो। A and B आपस में एग्रीमेंट में आए, वो कहता है कि अनड्यू फेवर चाहिए मुझे C से, पब्लिक सर्वेंट है C, on the promise that A will pay 1 lakh to B and B वो ही कर देगा C को deliver. ठीक है, उसने तो दे दिया, ए एंड बी डिड सो, बट सी ने क्या करा, फेवर लेने से देने से मना कर दिया। बी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, नो, यहाँ ए एंड बी दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं तो बोथ ए एंड बी आर लाइबल, यस, ए नो, ए अलोन भी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो ना, यहाँ लिखा है ए एंड बी डिड सो, क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है ऐसी सिचुएशन में, तो आपको वहीं के वहीं समझ आना है कि बोथ वर टूगेदर एंड दे आर बोथ लाइबल। The answer is B. Right? Now, next. For abatement by conspiracy, a mere agreement between two or more persons to do an unlawful act is enough. Some act or illegal omission. Some act or illegal omission must take place in pursuance of an engagement between two or more persons to do an unlawful act. Dekho. पहला क्या कह रहा है, एग्री कॉन्स्पिरेसी में आपको भी पता है, हमने इस केस में पढ़ा था, जहां टू और मोर पर्सन्स आ जाएं कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है, अनलॉफुल एक्ट इज इनफ नहीं होता है, इसके साथ आपका इल्लीगल ओमिशन भी होना चाहिए, इन पर्सुएंस ऑफ एन एंगेजमेंट भी होनी चाहिए। देखो ये आपका बैटमेंट का रूल है, जब आप कॉन्स्पिरेसी पढ़ोगे वहां पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इतना वहां नहीं बोलते क्योंकि वो अपने आप में ऑफेंस है, जो आप ये कह लो वो स्पीसीज है और ये जेनस है, तो ये जो बैटमेंट का आपका है ना कॉन्स्पिरेसी का कंसेप्ट, वो इतना वाइड नहीं है जितना कॉन्स्पिरेसी खुद में ही इतना वाइड है, तो इसमें बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशनल एड, इंटेंशनल एड तो अलग ही है आपका, नो, द पर्सन मस्ट इंस्टिगेट, ये भी अलग है। सम एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन पर्सुएंस ऑफ एन एंगेजमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस डू एन अनलॉफुल एक्ट, तो अकेला अनलॉफुल एक्ट होना नहीं जरूरी, एग्रीमेंट है ठीक है, उसके बाद कुछ एक्ट की होना चाहिए या फिर कोई इलीगल ओमिशन होनी चाहिए इन पर्सुएंस ऑफ द एंगेजमेंट बिटवीन द टू और मोर पीपल, तो ही कॉन्स्पिरेसी आपकी मानी जाती है अबेटमेंट के अंडर। राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज कंप्लीटेड एज सून एज द ऑफेंस अबेटेड हैज बीन कमिटेड, द अबेटर हैज इंसिटेड अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, ये आपके इनिशियल स्टेज पे ही होता है एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट, द पर्सन अबेटेड हैज डन सम ओवर्ट एंड टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, नहीं, देखो अबेटेड ने कुछ करा नहीं करा वो अबेटमेंट से अलग है, अबेटमेंट अपने आप में कैसे फेंस माना जाता है, जब आप किसी को इंस्टिगेट कर देते हो प्रायर स्टेज पे ही, कॉन्स्पिरेसी कर देते हो या कोई हेल्प कर देते हो, और जब आप तभी के तभी प्रायर स्टेज पे मान लिया जाता है कि अबेटमेंट आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है। द अबेटेड हैज डन समथिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इटसेल्फ टू हेल्प इट्स कमीशन, देखो वो खुद कुछ नहीं करता इस केस में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हियर बी इज द राइट आंसर, because the abettor has incited another person to commit the offense. Now, A offered money to C for killing or disabling B. It was left upon the choice of C to decide whether to kill or disable B. B was in fact killed. अब देखो, A ने C को money offer करी कि वो B को या kill कर दे या disable कर दे. It was left upon the choice of C. ठीक है, C ने उसको kill कर, C ने क्या करा, B was in fact killed. तो C ने B को मार दिया. अब देखो जब C की choice है, चाहे ना भी होती,
ठीक है ना, एक्ट अबेटेड अबेटमेंट हुई है तो इस केस में ए जो होएगा वो लाइबल हो जाएगा इस केस में. सो ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर. दिस इज द करेक्ट आंसर. ए इज नॉट लाइबल. नो, ए इज लाइबल फॉर, ये तो बिल्कुल ही गलत है. देखो आपको ये बात समझनी होगी, वैसे तो ये बहुत इजी था आपके लिए आंसर, बिकॉज यहाँ पे ए ने खुद ही कहा था या मार दो या डिसेबल कर दो. तो यहाँ पे अगर वो मर गया है तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की आ जाएगी, ठीक है. बट अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती तो सिर्फ दूसरा एक्ट कर देता और उसको ए को पता होता कि ये एक्ट हो सकता है तो भी ए जो होना था लाइबल फॉर मर्डर होना था. राइट, ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो हमने देखो इस केस में क्या करना है, अब हमने इनकरेक्ट जो है ढूंढनी है. राइट, अबेटमेंट कैन बी कमिटेड बाय मेयर साइलेंस, बाय हिंट्स, जेस्चर्स. अबेटमेंट आपकी हो सकती है. दिस इज राइट सिचुएशन. एंड अबेटर इज लाइबल फॉर अबेटमेंट इवन इफ द अबेटेड एक्ट इज, यस दिस इज ऑल्सो राइट. कहते हैं अबेटेड एक्ट आपका कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो, इट डजंट मैटर, अबेटमेंट हो गई, यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस. राइट, इफ अबेटेड पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर कमिटिंग द अबेटेड एक्ट, द अबेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल. देखो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. कहते हैं कि आपका ऑफेंस कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, हमने पनिशमेंट्स वाला वहां जहां मैंने वीडियो बनाई है देखो, उसमें ऑफेंसेस की पनिशमेंट भी है व्हेन द ऑफेंस इज कंप्लीटेड और नॉट कमिटेड. ठीक है, तो दिस इज द इनकरेक्ट सिचुएशन. सो सी विल बी द आंसर. सो लेट्स सी द अदर ऑप्शन ऑल्सो. द प्रिंसिपल एक्यूज द पर्सन अबेटेड मे नॉट हैव द सेम इंटेंशन. एब्सोल्युटली राइट, जरूरी नहीं होता है कि दोनों की सेम इंटेंशन हो. So this is the right, only C is the wrong answer. So answer is C. Now, next question. Which of the following statements are correct? Abettor may be liable for different offense than for which principal person is liable. Yes, this is also right. जब आपकी different, आपने different act कर देते हो उस situation में हो जाता है ऐसा, ठीक है, और वो लाइबल हो जाता है. अबेटर इज लाइबल इवन इफ प्रिंसिपल इज इनोसेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. अबेटर्स लाइबिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइबिलिटी. एब्सोल्युटली राइट. अबेटर मस्ट हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज. दिस इज रॉन्ग. इनका सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. सो 1, 2, and 3 इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज ए. नाउ ए इंटेंडिंग टू कॉज थेफ्ट इंस्टिगेट्स बी. अब ए ने बी को बोला टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जी आउट ऑफ जी पोजेशन. ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए. अब देखो ए ने ऐसा बिलीव करवा दिया बी को जो वो जी की प्रॉपर्टी थी वो ए की है. बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जी पोजेशन इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी एज प्रॉपर्टी. अब देखो जो बी ने अपना काम कर दिया उसको लगा कि उसने उसको बोला है तो वो जो प्रॉपर्टी है जी की वो ए की है, ठीक है, और बी उसकी प्रॉपर्टी ले आता है विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट. आप बताओ अब हमने ए और आर का देखना है. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट इवन इफ बी इज इनोसेंट. राइट, दिस इज राइट ट्रू. लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इज नॉट डिपेंडेड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज. एब्सोल्यूटली राइट. तो बोथ एक्सप्लेनेशन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिकॉज यहाँ पे उसने गुड फेथ में करा है. लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए. लेट अस सी. आंसर इज ए. नाउ A person is said to instigate the doing of things by willful misrepresentation and concealment of fact which he is bound to disclose is the correct answer. ये आपकी explanation है section 107 की. तो ये अकेले अकेले बिल्कुल नहीं है ये. This is the correct answer. B. Person is said to instigate the doing of a thing जब वो willful misrepresentation कर दे या concealment of fact कर दे. Right, now next. A instigates B to cause grievous hurt to Z. B does so, but Z died. A is not liable for punishment of murder. A is liable for the punishment of murder. A is not liable for any punishment and none of these. अब देखो
इस सिचुएशन में, ये मैंने आपको पहले भी ये सिचुएशन कराई है कि जब पता है ग्रीवियस हर्ट देने को बोला है तो देयर इज अ प्रोबिलिटी ऑल्सो कि उसकी डेथ भी हो सकती है. देन देन देयर इज अ प्रोबिलिटी आपकी आईपीसी अबेटमेंट की कहती है यू विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस जिसकी प्रोबिलिटी ऑलरेडी फोरसीन है. राइट, सो व्हेन ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जी, बी डज सो बट जी डाइड, तो उसमें उसको लायबल हो जाएगा पनिशमेंट फॉर मर्डर बिकॉज यहाँ पे प्रोबिलिटी थी, एक्ट फोरसीन था कि ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है. सो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट, एक्स एंड वाई कंस्पायर टू पॉइजन जी. अब देखो एक्स एंड वाई, यहाँ कॉन्स्पिरेसी आ गया, आप सोचोगे अबेटमेंट है. देखो जब आपका कंस्पायर वर्ड आ जाए वहीं के वहीं अपने दिमाग को खोल लेना है. सेक्शन 34 तो नहीं लग रहा, कॉमन इंटेंशन तो नहीं लग रही, देन नेक्स्ट अबेटमेंट तो नहीं लग रही, या कॉन्स्पिरेसी हम आगे पढ़ेंगे वो तो नहीं लग रहा, वहीं के वहीं आपको आंसर क्लियर हो जाएगा क्या लगा है. एक्स प्रोक्योर द पॉइजन, अब एक्स ने पॉइजन ले आया और वाई ने उसको दे दी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड कॉजेज जी की डेथ हो जाती है. अब देखो पहली बात, दोनों के दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है, एक ने काम किया दूसरे ने कंप्लीट कर दिया, इंटेंशन दोनों की सेम थी, प्रिंसिपल ऑफेंडर की भी और अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है तो. देखो कॉन्स्पिरेसी तो दोनों की हुई है तो यहां हम बेटर ही नहीं फाइंड कर रहे हैं कि कौन है, ठीक है ना. तो वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, बोथ एक्स एंड वाई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एक्स एंड X has committed the offense of murder and Y was an abettor. This is wrong. Both X and Y have committed the offense of murder. यहाँ conspiracy तक सीमित नहीं है, उसकी death हो गई है तो murder हुआ है because common intention थी इनको इसका, they will be liable for this offense. ठीक है, तो answer is D. देखो कॉन्स्पिरेसी जब भी मैंने यहां तक पढ़ा मुझे लगा सही है, पर जब मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझा नो, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ लिखा है एंड कॉज इज दीज डेथ. तो देखो बेसिकली हम आपको बारी बारी ऐसे क्वेश्चंस में तो करवा रही हूँ, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रोपोजिशंस आती हैं, आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या उन्होंने बोला है, आपको क्या क्या सिचुएशन दी रखी है आपके एग्जाम में, ठीक है. जैसे ये फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्स्पिरेसी आ गया, अब देखो यहाँ पे सीधा का सीधा कॉमन इंटेंशन लग गया है जिसकी वजह से बोथ आर हेड लाइबल बिकॉज एक ने उसको प्रोक्योर करी पॉइजन और दूसरे ने एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है. यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि बैटमेंट किसने करी किसने नहीं करी, किसने कौन प्रिंसिपल ऑफेंडर था, ठीक है ना. दोनों की सेम कॉमन अटेंशन थी तो दैट इज वाई अबैटमेंट का नहीं सीधा मर्डर का लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसकी डेथ भी हो गई. अगर तो कॉन्स्पिरेसी तक ही सीमित रहता तब हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करनी थी इसमें. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जी इंस्टिगेट्स बी अ लुनाटिक टू गिव पॉइजन टू जी. अब देखो ए को जी को मारना था, इसने एक लुनाटिक बी को बोल दिया कि तुम उसको पॉइजन दे दो. अब बी लुनाटिक है, लुनाटिक होता है इनसेन, राइट, उसने टेक्स पॉइजन हिमसेल्फ, उसने खुद ही पॉइजन ले ली. नाउ ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, यस ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बिकॉज उसने बी को इन्वॉल्व करा सिचुएशन में. ए इज गिल्टिंग ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ लुनाटिक बी. ये बताओ ये सिचुएशन फोरसीन थी, ये नहीं थी, ठीक है ना. अब उसको क्या पता था, वो लुनाटिक था, राइट. ए इज नॉट गिल्टी एज बी ए लुनाटिक कैन नॉट बी ऑफेंडर. देखो ही कैन नॉट बी ऑफेंडर बट हियर स्टिल ए इज गिल्टी बिकॉज उसने बैटमेंट कर दी है, बैटमेंट करी तभी पॉइजन उसने गलती से खा ली बिकॉज ही वॉज अ लुनाटिक, राइट. तो इस केस में ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर. देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तीनों ऑप्शंस आपको लगते हैं कि सही है और हमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है ना उसको पिक करना होता है. तो इस सिचुएशन में देखो आपको एग्जैक्ट सही सिचुएशन कौन सी दिख रही है कि ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट. यस ही दिस इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन, सो टेक दिस. एंड ये तो है ही नहीं, चलो. ए इज गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ, ये देखो यहाँ ऐसे कुछ फोर्सिंग था ही नहीं. अगर यहाँ पे लिखी होती लाइन ना कि ऐसी सिचुएशन फोर्सिंग थी तो हम इसको टिक कर देते, ठीक है. ए इज नॉट गिल्टी एज बी एज लुनेटिक कैन नॉट बी एन ऑफेंडर. देखो ही कैन नॉट बी एन ऑफेंडर बट यस हियर ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट. सो आंसर इज ए, दैट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट.
Now next question. A instigate B to murder C, but B refuses to do so. अब देखो A ने B को बोला कि C का murder कर दो, B ने मना कर दिया act करने के लिए, but A ने तो abetment करी है ना कि नहीं? A ने abetment करी है, yes. A is guilty of abetment, B abetting B. A is not guilty, why not guilty? उसने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ instigate. Instigate word आ गया, आपको समझना पड़ेगा. जो आपके abetment है, section 107 है, वो तीन बातों की बात करता है. पहली instigation, दूसरा conspiracy, फिर aiding. ठीक है, instigation में आपका basically willful misrepresentation and concealment of facts भी cover है. ठीक है, आप जानबूझ के कोई बात का झूठ बोल देते हो या कोई बात छुपा लेते हो सो दैट दूसरा बंदा प्रवोक होके वो एक्ट कर दे. ओके, सो हियर ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी. सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर. आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो कवर करे हैं, जो मोस्टली आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्लैट में भी आ रखे थे, तो हमने आज वो भी कवर करे हैं. और इससे आपके थोड़ी कंसेप्ट की और क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बेसिकली हमारा ये सेशन इसीलिए होता है सो दैट आपको प्रोपोजिशंस अच्छे से सॉल्व करनी आ जाए, बिकॉज आपके एग्जाम में मोस्टली वो आती ही आती हैं. ठीक है, जब आपको वो इजीली आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया ना कि उसको कैसे आपको दोबारा फ्रेज करना है और आपको खुद से कैसे अंडरस्टैंड करना है, आप कोई भी क्वेश्चन, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे. सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो वेरी मच.